हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सत्यम और आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल। यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत। तो आज के इस वीडियो में आपसे बात करने वाला हूँ फ्लिपकार्ट पे लेटर के बारे में, कि फ्लिपकार्ट पे लेटर है क्या और इसके बेनिफिट क्या है और इसे कैसे एक्टिवेट करते हैं और क्या इसके चार्जेस है। तो अगर मैं एक सिंपल से लैंग्वेज में कहें तो फ्लिपकार्ट एक लोन है, एक तरह के लोन है जो कि आपको फ्लिपकार्ट देती है और उस पैसे को आप चाहो तो ऑर्डर कर सकते हो या कहीं भी खर्चा कर सकते हो और आपको 30 दिन के अंदर आपको पे बैक करना होता है। अगर आप पे बैक नहीं करते हो तो क्या होगा, ये मैं वीडियो को लास्ट में बताऊंगा। तो ये सारा कुछ इस वीडियो के अंदर मैं आपको कवर करने वाला हूं। तो उससे पहले अगर आप मेरे चैनल में पहली बार आए, चैनल कर दे सब्सक्राइब और बेल आइकन कर दे प्रेस। यहाँ पर इसी तरह क्रिएटेड वीडियो मिलता है और मिलता रहेगा। तो बिना देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो चलिए आ गए फ़ोन के स्क्रीन पे। सबसे पहले आपको फ्लिपकार्ट एप्लीकेशन को ओपन करना है। ओपन करते ही आपके सामने कुछ इस तरह के पेज शो हो रहा होगा। उसके बाद आपको सर्च वाला ऑप्शन पर टाइप करना है। टाइप करने के बाद आपको यहाँ पे टाइप करना है फ्लिपकार्ट पे लेटर, आपको टाइप करना है। उसके बाद आपको सर्च कर देना है। सर्च करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह के पेज ओपन होगा। फ्लिपकार्ट पे लेटर का आपको पोस्टर शो कर रहा होगा, तो आपको फ्लिपकार्ट पे लेटर वाला ऑप्शन पर टैप करना है। टैप करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह के पेज ओपन होगा, शॉप नो पे नेक्स्ट मंथ विथ फ्लिपकार्ट पे लेटर। तो देखिए यहाँ पर डिटेल क्या होगा, इंस्टेंट क्रेडिट अप टू 10,000। यहाँ पर बोला जा रहा है आपको इंस्टेंट क्रेडिट, आपको 10,000 का इंस्टेंट क्रेडिट दिया जाएगा। मैक्सिमम फ्लिपकार्ट पे लेटर में आपको 10,000 का ही लिमिट मिलता है। यहाँ पे बोल रहा है 30 सेकेंड में आपका एप्लीकेशन प्रोसेसिंग पूरा हो जाएगा। जैसे ही आप एप्लीकेशन डालिएगा तो आपको पता चल जाएगा कितना आपको लिमिट दिया गया है। उसके बाद बता रहा है अप टू 35 डे क्रेडिट। यहाँ पे बोल रहा है जब भी आप फ्लिपकार्ट पे लेटर का आपको जो भी लिमिट दिया उसमें आप जो भी यूज कीजिएगा, आपको 35 दिन के अंदर आपको पे बैक कर देना है। उसके बाद आपको नीचे चले जाना है। अगर आप पे बैक नहीं करते तो आपको टर्म एंड कंडीशन वाला ऑप्शन पर जाना है। उसके बाद आपको नीचे की ओर स्क्रॉल करना है। स्क्रॉल करने के बाद लेट पेमेंट चार्ज अमाउंट, अगर आप 100 रुपये से अगर 500 रुपये के बीच में अगर शॉपिंग करते हो तो आपको 60 रुपये पेनल्टी चार्ज देना हो। अगर 500 से 1,000 के बीच अगर आप शॉपिंग करते हो तो आपको 125 रुपये पेनल्टी चार्ज देना होगा। अगर आप 1,000 से 2,000 के बीच में अगर शॉपिंग करते हो तो आपको 175 रुपये पेनल्टी चार्ज देना होगा। अगर आप 2,000 से 4,000 के बीच में अगर शॉपिंग करते हो तो आपको 300 रुपये पेनल्टी चार्ज देना। अगर आप 4,000 से 5,000 के बीच में अगर आप शॉपिंग करते हो तो आपको 410 रुपये पेनल्टी चार्ज देना होगा। अगर आप 5,000 से अबव अगर शॉपिंग करते हो तो आपको 600 रुपये पेनल्टी चार्ज देना होगा। उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह के पेज ओपन होगा। उसके बाद आपसे पैन कार्ड का नंबर मांगा जाएगा, तो जो भी आपका पैन कार्ड का नंबर है यहाँ पे आपको डालना होगा। उसके बाद आपको कंटिन्यू वाला ऑप्शन पर टैप करना है। टैप करने के बाद आपका पैन नंबर वेरीफाई किया जाएगा। वेरीफाई तो देख सकते हैं मेरा पैन नंबर वेरीफाई हो चुका है। उसके बाद आपको बोल रहा है वेरीफाई योर आधार, यहाँ पे आपको आधार कार्ड से यहाँ पे आपको KYC करना होगा। आपको KYC करने के लिए आपको कंटिन्यू वाला ऑप्शन पर टैप करना है। टैप करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह से पेज ओपन होगा। आपको बोला जाएगा इंटर योर आधार नंबर एंड कैप्चा, यहाँ पे जो भी आपका आधार नंबर यहाँ पे आपको फिल करना है। उसके बाद जो भी नीचे आपको कैप्चा शो कर रहा होगा यहाँ पे आपको फिल करना होगा। तो जो भी आपका आधार नंबर आप यहाँ पे फिल कर लीजिए। तो देख सकते हैं हम अपना आधार नंबर और कैप्चा दोनों फिल कर दिए। उसके बाद आपको कंटिन्यू वाला ऑप्शन पर टैप करना है। टैप करते ही आपके सामने कुछ इस तरह के पेज ओपन है। उसके बाद आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे आपका एक OTP सेंड किया जाएगा। यहाँ पे आपको पुट ऑन करना है, यहाँ पे आपको फिल करना है। तो जो भी आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर उस पर आपका 4 डिजिट का यहाँ 6 डिजिट का यहाँ पे OTP आपको भेजा गया, यहाँ पे आपको फिल करना है। तो देख सकते हैं हम अपना OTP भी यहाँ पे फिल कर दिए। उसके बाद बोला जा रहा है क्रिएट ए 4 डिजिट पिन,
बोला गया आप अपने मन से आपको एक 4 डिजिट का पिन बनाना है, तो जो भी आप यहाँ पे रखना चाहते हैं यहाँ पे आपको फिल करना होगा। उसके बाद आपको वेरीफाई वाला ऑप्शन पर टाइप करना है। वेरीफाई वाला ऑप्शन पर टाइप करते ही आपके सामने कुछ इस तरह के पेज ओपन होगा। उसके बाद आपको नीचे की ओर स्क्रॉल करना, तो देख सकते हैं जो भी आप अपना डिटेल फिल किए होंगे आपके सामने कुछ इस तरह से शो कर रहा होगा। उसके बाद आपको नीचे की ओर स्क्रॉल करना है। स्क्रॉल करने के बाद एग्री एंड सबमिट वाला ऑप्शन पर टाइप करना है। टाइप उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह के पेज ओपन होगा। KYC डिटेल रिसीव वेरीफाई और बैंक डिटेल टू कंप्लीट KYC। उसके बाद आपको यहां पे अपना UPI ID नंबर यहां पे डालना होगा। तो देख सकते हैं हम अपना UPI ID भी यहां पे फिल कर दिए। उसके बाद कंफर्म एंड सबमिट वाला ऑप्शन पर टाइप करना है। टाइप करने के बाद वेरीफाई योर होल्डर नेम एंड मे टू टेक ए फ्यू सेकेंड, आपको कुछ देर वेट कर लेना है। वेट करते ही आपके सामने कुछ इस तरह के पेज ओपन होगा। देख सकते हैं यहाँ पे आपको 2000 रुपया मिला है फ्लिपकार्ट पे लेटर में। तो आपको इसी तरह आपको फ्लिपकार्ट पे लेटर पे आपको अपना अकाउंट एक्टिवेट करना है। तो उम्मीद करता हूँ अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो कैसा लगा वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताना। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।